आप लोग मैं बना रहा हूँ आइस वेट करिए। आप लोग देख सकते हो पहले साल का चिकन को बॉइल करेंगे हम लोग हाइट से हाई करेंगे जो है बॉइल कर लेंगे। बॉइल करने के बाद जो है बॉइल करने के बाद चिकन जो है ज़्यादा भून मिलने जो नहीं है आप लोग देख सकते हो करना रहता है इसलिए अब इसका हम लोग इसको बॉइल वाटर को छान देंगे। इसके बाद जो है जो स्मेल रहता है स्मेल चला जाएगा बाहर। आप लोग देख सकते हो चिकन हाफ डन हो गया है। इसको जो है बॉल में निकाल दिया इस तरह से निकाल दिया। अब इसको जो है हम लोग गार्लिक जो है आप देख सकते हो हल्का सा गार्लिक और थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल दिया और बाकी तो आपको मालूम है लेमन ग्रास और डाल के आपको देख सकते हैं। अभी पानी डाल के मैंने सो वाटर ये देखिए तो चिकन डाल दिया जो है चेरी टमाटो उसके बाद जो है इस तरह से बॉइल होएगा हल्का सा इसे ये डाल दिया गया और इसमें जो है हल्का सा काश्मीरी चिली पेस्ट ये डाल के कर सकते हो। चम्मच चुम्मच भी नहीं डाल दे रहे देख सकते हो आप लोग देख सकते हो ये थाई करी रेड थाई करी रेडी बन के तैयार हो रहा है। देख सकते हो कोकोनट मिल्क डाल दिया इसको ऊपर पर देखो इसको जो है अच्छे से हम लोग पकाएंगे इसको एकदम प्यार से जो है पकाना पड़ता है इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैंने लेमन लीफ और बेसिल को भी डाल दिया गया है आप लोग देख सकते हो। और ऐसा इसके अंदर हम लोग कैरेट और बीन्स इंडियन वेजिटेबल ये खाएंगे बेटा उधर से उधर मिक्स वेजिटेबल बस वेजिटेबल का थोड़ा अब ये देख सकते हो आप चेरी टमाटर डाल दिया मैंने ये सब पकाने के बाद ऐसे पकाने के बाद जो आप देख सकते हो ऐसे पकाने के बाद ये देख सकते हो फ्राई करी रेड करी बन के कलर एकदम प्यारा सा आ रहा है। इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल डाल के थोड़ा सा हो गया देख सकते हो आप लोग इसको जो है थोड़ा चीज़ करने बाद जो है इसके बाद जो है पकाने बाद में हल्का सॉल्ट वाइट पेपर एंड एरोमेट पाउडर एड करने बाद जो है पीस सो तेल आप देख सकते हो मस्त कलर आ रहा है। देखो ट्राई करिएगा देख सकते हो एकदम प्यार सा कलर आ रहा है। हल्का सा लाइट और शुगर डाल देंगे हम इसके ऊपर थोड़ा हल्का सॉस मार देंगे लाइट से उसको देख सकते हो एकदम प्यार सा कलर आ रहा है। देख सकते हो इसमें हम लोग एकदम स्पाइसी पेस्ट के सब चीज़ का कलर यूज किया जाती है कलर विदाउट कलर है तो आगे हल्का से लेमन जूस देख सकते हो आप लोग ये इतना प्यारा कलर हो गया है। आप लोग देख सकते हो ये तो माशाल्लाह कलर है देखिए देख सकते हो एकदम खूबसूरत कलर आ गया देख सकते हो इतना प्यारा कलर देख सकते हो पक्के भी एकदम देख सकते हो अभी मस्त कलर भी आ गया है। अब इसके ऊपर हम लोग जो है मस्त करके कलर जो है हाई करी आप लोग देख सकते हो कितना मस्त कलर आ गया है बाबू
सकते हो। ऐसे कलर में नमक नमक सोया सूप आप लोग देख सकते हो। चिकन में फर्स्ट एकदम तैयार तैयार है, देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा, देख सकते हैं करी बन के रेडी हो चुकी है। अभी इसको जो है हम लोग एड कर देंगे रेड करी का रेसिपी, एक देख सकते हो आप लोग के अंदर थाई। और बेसिल मार बेटा, बेसिल डाल, चिकन निकाल, बहुत कड़क तेल में डाल दे तू, तो कड़क तेल में कम डाल बेटा, निकाल दे बाहर, निकाल दे बेसिल मार। आप लोग देख सकते हो अभी मैं कभी इसका बाद चिकन क्रिस्पी जो है बनाने जा रहा हूँ अपना तरीका से, जो अलबुरा का स्पेशल है जो देख सकते हो आप लोग। हाँ फिर के साथ में स्टीम राइस नहीं है क्या? ओके क्रिस्पी स्पाइसी रहेगा बाबू। ओके आप देख सकते हो, देखिए मैं अभी क्रिस्पी जो है मार दे रहा हूँ। हाँ हाँ निकाल हो गया, वो कितना बार डाल रहा है यार, निकाल तो खान के भी थोड़ा बहरा है क्या? और देख सकते हो आप लोग बेटा, कुछ डाल सकते हो आप लोग, ट्राई कर सकते हो इस चीज को। हाँ पानी देखिए आप लोग, क्रिस्पी कैसे बना आप लोग देख सकते हो। देखिए आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैं खाना बना रहा हूँ। आप लोग एकदम चिकन एकदम सॉफ्ट बन के आपके सामने रेडी है, ये देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैंने क्रिस्पी मार दिया हूँ। इसके बाद जो आपका सिरियासी चिकन रेसिपी बताएंगे कैसे बनाने का, इसके बावजूद आप लोग अभी थोड़ा बिजी। आप लोग देख सकते हो इस चिकन में या किस तौर पर चिकन बना रहा हूँ मैं, या किस तौर पर जो चिकन में सॉस वगैरह सब ये चीज़ ऐड करते हैं, जो जाग जाग देख सकते हो आप लोग, तो इसमें हम लोग सॉस बना के आप लोग कैसे रेसिपी हो सकते हो आप लोग देख सकते हो। चिकन में हम लोग एकदम स्मूथ चिकन जो है डाल के सॉस करेंगे इसको बाद में रंग देख सकते हो अगले स्टोव वाले और हम लोग करेंडर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बन के एकदम तैयार है, देख सकते हैं अभी देख सकते हो आगे निकाल के इसको जो है तो हम लोग इधर कर देंगे क्योंकि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोग देख सकते हो इसको जो है वाटर डाल दीजिए तो दोबारा वाश कर देंगे, इसके बावजूद थोड़ा सा इसके ऊपर सोच करने के बावजूद हम लोग वापस थोड़ा रोके
क्लीन करके हो गए। तो आप लोग देख सकते हो इसको जो है हम लोग इस तरह से अच्छे से पूछ के जो है करके थोड़ा सा उसको ऑयल डाल देगी इसके ऊपर। ऑयल डालने का जो है ऑयल डालने का गार्लिक गार्लिक ऑनियन सब दिल्ली जो डाल के हम लोग आगे भूजेंगे। भूजने का जो है इसको जो है रोस्ट कर देंगे। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद जो है रोस्ट करने के बाद रोस्ट करने के बाद थोड़ा हल्का सा वाइट कलर डाल देंगे। हल्का जैसे कढ़ाई अच्छा से देखिए मुझे सबसे डालूंगा और इसमें हम लोग कांदे से रोस्ट कर देंगे इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा स्वीट चिली सॉस भी थोड़ा टोस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा वाइट विनेगर थोड़ा सा इसके ऊपर दे सकते हम लोग टोस्ट करने के बाद फिर जो है वो इसके बाद थोड़ा हल्का सा दे सकते हम लोग हम लोग स्पाइसी चिली पे आगे ऐड कर देंगे। स्पाइसी चिली पे थोड़ा हल्का सोस को थोड़ा हल्का पकाइए अच्छे से थोड़ा जो है चिकनिस हो जाए। उसके बावजूद अब हम लोग फिलिंग करेंगे ऑयल बजे पर उसमें पकड़ आगे यूज करने का सोचा हम चिकन हो मेरा सोच ठीक होने का आ गया है। और उसके बाद चिकन हमारा आए हो गया रेडी हो चुकी है। उसके बाद आगे स्पाइसी के लिए स्पाइसी चिली पेस्ट आई जी स्पाइसी चिली पेस्ट बोला इसको उसके अलावा जो आप देख सकते हो चिकन सूर से फ्राई हो गया है हमारा बन के देख सकते हो और उसके बाद हम लोग स्प्रिंग ऑनियन डाल सकते हो ना शेफ। उसके बाद देख सकते हो हल्का सा हाई कोरिएंडर हम लोग बन के इधर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए और हम लोग उसके बाद फिर वाग वाग करेंगे फिर आप लोगों को दूसरा रेसिपी बताएंगे। कावा मटर पुलाव कैसे बनता है ऑर्डर है गार्लिक ऑनियन मिर्ची कैप्सिकम और ऑनियन लेमन जूस निकालो जिसल वाटर केवड़ा वाटर नमक चाट मसाला वाइट पेपर इलायची के बच्चे वाइट मसाला रास्ता
दो तवाला दो है, तवाला दो चटपटा आइटम रहता है। तो क्वांटिटी दे रहा हूँ, इंजन खा सकते हो हो जाएगा।